वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे ब्लॉग को स्टार्ट। ऐसे सोने की वजह मास्क पहन रही हूँ उसको देखो, अम्मी की जगह पर जाके बैठी हुई है अम्मी को तंग करने के लिए। गैरत लड़की है ना ये, मना कर रही हूँ ठीक है, अब तुम कहियो मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। आ मजाक किया, आउच, तमीज नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म शेयर करने वाली हूँ जो ऑनलाइन अर्निंग का है। काफी रिसर्च करने के बाद जो है मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ। आपको पता है कि मैं ऐसा कोई भी प्रमोशन नहीं करती। आपको सबसे ज्यादा फायदा ये है, सुबह 7 बजे नहीं उठना होगा, कहीं जाने का झंझट नहीं होगा, और जो हम लोग कहीं पर जाते हैं उसका कन्वेंस का जो उसका पैसा लगता है उसका भी नहीं होगा, बस हमने अपना मोबाइल उठाना है और अपना काम करना है। इनको मर्द हजरात भी कर सकते हैं औरतें भी। और मैं करूँ कोरियर क्रू टीम का जो है सेमिनार भी हुआ था, तो वो भी आप लोग को थोड़ी सी क्लिप शेयर कर दूँ, वो पहले आप लोग देख लें। कंपनी का नाम है कनकोरियर क्रू, उसको माशाल्लाह काफी लोग कर भी रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो है एक परमानेंट एक पे जो है वो कंफर्म कर देते हैं कि आपको बस यही मिलेगी, इसके अलावा जो है आपके ना आगे ना पीछे मतलब उतनी होती है जिसमें हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। बट जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें जो है अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, उसमें हमारे जो ख्वाब है हम उनको पूरा कर सकते हैं। काफी यूट्यूबर्स को भी देखा है जो इस पर काम भी कर रहे हैं और उन्होंने इसके प्रमोशन भी किए, तो मैं उसका जो है उनका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आगे जो है गाइडलाइन के मुताबिक आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आगे क्या क्या करना है। बात करते हैं इनके सैलरी के, स्टार्ट जो है वो 50 से 60K होगा 1000, और जब आप आगे जो है जैसे आप मेहनत करते जाओगे उसके मुताबिक ही आपको जो है आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। इसी बात है, जब हम जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आगे जाएंगे, तो उसके बाद आप लाखों में भी अर्न कर सकते हो। आप पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना आगे लेके जाना चाहते हो और कितना मेहनत कर सकते हो। मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप लोगों ने लाजमी जाके देखना है और मुझे बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं बताना भूल गई थी कि आज जो है मैं अपनी दोस्तों के साथ, मीन जैनब के साथ और जो है नीलम, रुमैसा, महक, मैं, हम सब जा रहे हैं बहर डॉन, और शायद हम 2 दिन वहां पर रहेंगे। तो खैर मुझे वहाँ की पैकिंग करनी है, मैं आराम से सुकून से, बड़े से कुछ हुआ ही नहीं है, तो जिनसे करते हैं पैकिंग और चलते हैं। वगैरह जो मैंने कर लिए है वो रहा मेरा छोटा बैग जिसमें मैंने अपना मेकअप और जो है उसका सामान रखा है स्किन केयर का, और बाकी जो है ये मेरा मेकअप अपना ये वाला बैग यहाँ पर अभी डाला। मैंने नहाना था, नहाई भी नहीं हूँ मैं। खैर इट्स ओके, अभी जो है मेरी क्लाइंट आ रही है उसके लिए मुझे लैशेज वगैरह करना है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले डाल चुके हैं शाहरुख को अपना बहुत सारा ख्याल रखना, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ छोड़ के, तो मैं डर टाउनशिप पर हूँ, शाहरुख अपना ख्याल रखना। इसको बुखार है, मेरा दिल नहीं करा जाने का, लेकिन फिर भी मैं तो है ना मुझे लड़कियाँ टाक झाक कर रही हैं बदतमीज। जो है मैं अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो है जनाब कर रही है नीलम, वो बड़ा करते हैं ना रोजी लाने अच्छा लग रहा है वो, और मैं यहाँ पर कुछ भी कर रही हूँ, मेरा कोई काम नहीं, बस मैं ऐसे जाती हूँ यहाँ पे। नीलम मैंने इधर ब्लॉग में तुम्हारा नाम लिया, तमीज से जवाब दो क्या बोलो, थैंक यू किस बात पे? अच्छा ये बहुत समझदार है, इसने ना 2 बॉलें पहनी, आखिरी में कुछ नहीं पहना हुआ। सुना नहीं है, मैंने सुनती हूँ इसके बाद। वो लिखा हुआ आगे उर्दू में लिखा हुआ भाई, उर्दू में अब हम पहले टाउन पहुंच चुके हैं, मतलब ये ना हमारी कार है। तो हम यार तो अपने बफ कर रही थी, मतलब पहुंच चुके हैं, मतलब मुझे हम लोग पहुंचे हैं बहरे टाउन, और यहाँ पर जो है जनब का तबियत थोड़ा ठीक है, थोड़ा हार्ट बीट चेक करने के लिए हम लोग आए हैं, मेल ब्लॉक और फीमेल ब्लॉक हम आए हैं डॉक्टर चोरदस को हॉस्पिटल आए हुए हम लोग, नॉर्मल जो बहरे टाउन में होता है। और ये है यार, इनको आप लोग दफा करें। बाय द वे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पर अभी अब तो रात है, सुबह मैं आपको क्लियर क्लियर दिखाऊंगी। और नीलम आपकी हट जाए यहाँ से, नीलम आपकी तबीयत कैसी बेटा?
मेरा घुटना काम करना बंद क्योंकि ये मेरा सीट मेरा भी घुटना तोड़ दिया तुमने क्योंकि नीलम की जो मेरी सीट थी ना गाइस वो नीलम थी तो इसलिए नीलम को ज्यादा दिक्कत हो रही थी पेट्रोल काम नहीं कर रहा और मैं एक टांग से बिल्कुल चल नहीं पा इसकी जो पार्टनर थी उसने रहम किया मेरी पार्टनर भर ओके मेरी बात सुने ठीक है मैं यहाँ पे किसी पर रहम करने नहीं आई रोडी चल रहा है यहाँ पे रोडी चल रहा है अभी जो है हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और ये यार मेरे तीन बैग्स हैं एक ये और एक यार मेरे शूज वगैरह सारी चीजें थी यार अरे 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 एक मैं पकड़ लूं चलो हाँ मेहरबानी होगी बेटा आपकी मैं चलो ये लिफ्ट में मैंने इसमें से गाइस ये बिल्कुल गोल था तो बस जैनब ने जो है कुछ खा लिया है आपको और जो है ये वाइट कढ़ाई है ये रायता है और ये कबाब है और ये सब कुछ मैंने बनाया है जी बिल्कुल जैनब ने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया और ये क्या है जैनब ये रोटियां और ये रोटियां और ये जूस है और ये टेबल है और ये घर है अभी जो है हम लोग इसने कहा था मैं सिर्फ तीन चम्मच देना वो बैठी उसने डालते हुए सिर्फ तीन चम्मच ही डाल इतना यार देखो तुमसे ये हंसते तो थप्पड़ क्यों मारा मुझे इतना बता दो हर बात में लोग मारती हैं क्यों मुझे बताओ मजा पिछली वाली को ज्यादा मजा आ रहा हाँ है तुम्हारे साथ निकल जाओ यार रात के जो है 2:00 कुछ टाइम हो रहा है और यहाँ पर जो है हम सब जो है ड्रामा देख रहे हैं और मेरी हालत कुछ ये हो गया है मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए रूम में जा रही हूँ बस चलते हैं रूम में इनको बैठने दें यहाँ पे बिलावल आप जरा गौर से ड्रामा देखो ड्रामा मिस नहीं हो जाए एक भी किस्त सॉरी ब्लॉग को करने लगी थी मैं उससे पहले सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बात करने उठ रही थी दिलबर का मैंने एक रिएक्शन मुझे देखा उसको देख के ना मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैंने जब उसको देखा ना कि वो किस तरीके से रो रहा है नहीं मैं अपने भाई के लिए बहुत दुआ करती हूँ जैसी बात है वो मेरा भाई है भले दुनिया के लिए कुछ भी हो किसी के लिए कोई उसे कुछ भी कहे मेरे लिए वो मेरा भाई है उसको इस हालत में देख के मुझे जितना बुरा लगता है अल्लाह जानता है गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लोग मेरे भाई के लिए दुआ के देखें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए क्योंकि वो बीमार है और वो अम्मी ने बात की तो वो ना 2-3 दिनों से लगातार वो हॉस्पिटल जा रहे हॉस्पिटल जाने की वजह से उसकी थोड़ी तबियत जो है काफी ज्यादा खराब है वो यहाँ पर था तब से उसकी तबियत खराब है उसको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसकी तबियत जो है गाइस काफी ज्यादा खराब है इसको जो है डिफेंड करने नहीं आई मैं बस इतना कहने आई थी कि मुझे जिसे इतना कहना था कि मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिस तरीके से वो रो रहा था सुबह तो मुझे मतलब जाहिर सी बात है ना भाई भाई को आप रोता हुआ नहीं देख सकते कोई भी बहन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहन ऐसी होगी या फिर कोई भाई ऐसा होगा अपनी बहन को रोते हुए देख सकता है या फिर कोई बहन ऐसी होगी जो अपने भाई को रोता हुआ देख सकती है भी सबर कर लेते हैं लेकिन बहनों में नहीं आता सबर तो मैं अम्मी ने उसको बाबर दिलबर को बोला कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं तो मैंने अम्मी को बोला अगर आप जाओगे तो मैं भी चलूंगी साथ हम उसको ले आते हैं खैर डैडी ने बोला कि वो खुद आ जाएगी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अभी सफर नहीं कर सकता वो रिकवर उसने नहीं किया और वो किसी काम के लिए भी खैर वहां पर गया हुआ है वो काम वो खुद बताएगा मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं उसकी बातों में आकर कुछ बोलूं लेकिन मुझे पता है वो किसी काम के लिए गया हुआ है अपने ब्लॉग में खुद बता देगा दुआ हमारी बेटी दुआ की तबीयत बहुत खराब है मैं यहाँ पर आई थी हमारा 3 दिन का टूर था लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल ही चली जाऊं आज भी मेरे खैर क्लाइंट आ गए थे लैशेज के जिसकी वजह से मुझे जाना था दुआ के साथ तो मैं वहां पर नहीं जा सकी दुआ के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और मीर और रोजी को भी बाहर लेके जाऊंगी बट नहीं लेके जा सकी और मैंने अभी सफर से भी अवॉइड करना है मैंने ज्यादा सफर पे मतलब नहीं करना इतना दमदम बाइक वगैरह पे तो कोशिश यही है कि मुझे से जितना मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं करूंगी और मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा पता नहीं क्यों मुझे रात के टाइम ना इस टाइम ना मुझे बहुत ज्यादा खांसी होने लग जाती है और मेरा दम घुटने लग जाता है साइलेंट के बैठी हुई भाई वो मूवी देख रही है कैरी ऑन जट्टा 3 और मैं अंदर बैठी हूँ क्योंकि मुझे ना थकावट से हो रही है और मुझे ज्यादा बैठना भी मेरे लिए सही नहीं है मुझे ज्यादा लेटी रहूँ वही सही है मेरे लिए मैं इसी के साथ साथ मैं करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पर है ना मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा
कि मेरी तबीयत ठीक रहे और बाबर दिलबर के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, कक्को के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।